वो कितनी भी हो सकती है, एक पल का भी काउंटिंग नहीं कर सकते बिना सूरज के आप, बिना चांद के एक पल की भी काउंटिंग नहीं कर सकते। और जहां अच्छा और सोलर सिस्टम से आप जब बाहर चले जाएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हैं आप, जब आप सोलर सिस्टम से बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा? एक सर एक क्षण की भी काउंटिंग नहीं कर सकते बिना, आप बताओ ना कैसे टाइम को काउंट किया आप? सोलर सिस्टम से बाहर जब आप चले जाएंगे तो कैसे करेंगे? मेरे को साइंटिफिकली प्रूफ कीजिए कि आप एक पल की काउंटिंग बिना सूरज के कैसे करेंगे। आप ये कह रहे हैं ना कि सोलर सिस्टम के बाहर टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं ना? मतलब ही नहीं करता सर आप टाइम काउंटिंग। अब एक आदमी अगर सोलर सिस्टम से बाहर चला गया टाइम खत्म, टाइम खत्म। मुझे अभी साइंटिफिकली सर आप प्रूफ कर दीजिए और टाइम सर टाइम की प्रूफ कर दीजिए ना मेरे को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। टाइम ये सिर्फ कायनात के अंदर यानी यूनिवर्स के अंदर ही एग्जिस्ट करता है या फिर यूनिवर्स के बाहर भी एग्जिस्ट करता है? क्या टाइम सिर्फ वहीं पर एग्जिस्ट करता है जहां पर सूरज है चांद है, या फिर जहां पर सूरज और चांद नहीं है वहां पर टाइम कैसे वर्क करता है? टाइम की ओरिजिन क्या है? अल्लाह पाक ने इस कायनात को 6 दिनों के अंदर जो बनाया है तो उसकी मिसाल सोमवार मंगलवार बुधवार की तरह से क्यों दी है? तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही डिबेट देखने वाले हैं। मुफ्ती यासे नदीम अल वाजिदी साहब के साथ है अनिल आर्या जी, और डिबेट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, फनी है और बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, बहुत ही ज़बरदस्त ये डिबेट होने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए। और हाँ, हमने फेसबुक पर भी एक अपना पेज क्रिएट किया है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उसको एक बार चेक कीजिए, पेज पर जाइए, उसको लाइक कीजिए। उस पेज का लिंक आपको इसी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सिंपली फेसबुक पर जाकर सर्च कर सकते हो आलमी फैक्ट्स, बस आपको पेज मिल जाएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक फॉलोअर है वहाँ पर जो हमको फॉलो कर रहा है, उसको सपोर्ट कीजिए, वो अकेला है। और आप भी हमारे पेज को लाइक कीजिए और वहाँ पर सपोर्ट कीजिए। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अब मैं आपसे सवाल लेता हूँ। पहला सवाल सर मैं आपसे पूछता हूँ, आप मेरे से पूछ रहे ना, मैं आपसे पूछता हूँ अल्लाह ने यूनिवर्स कैसे बनाई, आप बताएं। नहीं, हमारा तो सीधा सीधा अकीदा है कि कोई भी चीज नहीं थी, अल्लाह ने चाहा तो यूनिवर्स बन गया। बन गया कैसे बना? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि इतने पार्टिकल्स लगे क्या, मैं ये पूछ रहा हूं, सवाल ये है कि यूनिवर्स था, हमेशा से था, या यूनिवर्स किसी एक पोजीशन के ऊपर नहीं था फिर बना, इसमें ये सवाल है। आप मेरे को एक हवाला देना कि उन्होंने कैसे बनाया था, एक हवाला दे कुरान का कि कुन फाया बोल के उन्होंने कैसे बनाया, कैसे बनाया उसमें लिखा हुआ है आपके हवाले में, 6 दिन में बनाया था, छवि से भी थी, और वो कैसा था, क्या था, क्या नहीं था, ये सवाल ही नहीं है अनिल भाई, ये सवाल ही नहीं है। सवाल ये है कि यूनिवर्स के बारे में, सवाल सुनने सर, देखिए मौजू जो है ना, एक मौजू पर रही है, एक मौजू पर रहे हैं। मैं आपसे सवाल करूंगा, आप मुझसे सवाल करेंगे, क्या बात हुई? कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, कि यूनिवर्स जो है आपके नजदीक, यूनिवर्स सर, मैं सर मेरे को नहीं मालूम यूनिवर्स कैसे बना, वेदाचार्य नहीं हूँ मैं, सुनिए आप। यूनिवर्स भाई आपको, आप अगर मुझसे बात करने आए हैं, आप मुझसे बात करने आए हैं सर, तो कम से कम ये तो आपको मालूम होना चाहिए ना सर। सर सुनिए आप मेरी बात को, आप आलिम है कुरान के, आप मुझे हवाला दीजिए कि आपके अल्लाह ने यूनिवर्स कैसे बनाया, मैं मान लेता हूँ कि अगर तर्क की कसौटी पर, जितना हमें अल्लाह ताला ने बताया, तर्क की कसौटी पर अगर मेरा जवाब तो सुन लीजिए, आपकी बात मान लूंगा, मेरा जवाब तो सुन लीजिए, हमारी तरफ से सिर्फ हमें इतना मालूम है जितना अल्लाह ताला ने हमें बताया। अल्लाह ताला ने हमें बताया कि अल्लाह ने जमीन और आसमान कायनात जितनी भी चीजें उनको 6 दिन के अंदर बनाया, और उसने जब बनाने का इरादा किया उसने कुन कहा, ये चीजें बन गई, फयकून, बस इतना हमें मालूम है। अब उसके अंदर कौन से पार्टिकल्स लगे, क्या कौन से नहीं लगे, ये अल्लाह ताला ने हमें नहीं बताया, और ये हमें साइंस के ऊपर छोड़ दिया। अब हम साइंस से पूछेंगे कि भाई कौन कौन से पार्टिकल्स लगे, जमीन के अंदर कितने लेयर्स हैं, आसमान के अंदर कितनी लेयर्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो गया, और इसकी जरूरत भी नहीं है ना। तो सर आपके अल्लाह ने 6 दिन के अंदर ये कायनात बनाई आपके कहने के मुताबिक, आप ये कहना चाहते हैं ना सर? बिल्कुल। तो सर सूरज नहीं था, पूरा ब्रह्मांड नहीं था, तो दिन का काउंटिंग कैसे किया आपके अल्लाह ने? अच्छा, अब मुझे आप ये बताइए, काउंटिंग कैसे किया सर? हाँ, अब मैं, मुझे मालूम था कि आप ये सवाल करेंगे। ये जो लफ्ज अरबी में आता है ना, जहां अल्लाह ताला ने ये कहा कि 6 दिन में बनाया, वहां लफ्ज आया है यौम, ठीक है, जाहिर है कि हम अरबी, चूंकि कुरान अरबी में है तो अरबी को ही तो देखेंगे, तो उसका ट्रांसलेशन नहीं देखेंगे, लफ्ज आया है यौम।
और यौम का जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो एक ड्यूरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब वो ड्यूरेशन कितनी भी लंबी हो सकती है, इसमें साइंस भी एग्री करता है, वो कितनी भी हो सकती है। पल का भी काउंटिंग नहीं कर सकते बिना सूरज के, आप बिना चांद के एक पल की भी काउंटिंग नहीं कर सकते। और जहां अच्छा और सोलर सिस्टम से आप जब बाहर चले जाएंगे तो टाइम खत्म हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हैं आप, जब आप सोलर सिस्टम से बाहर चले जाएंगे तो क्या होगा? एक सर एक क्षण की भी काउंटिंग नहीं कर सकते बिना, आप बताओ ना कैसे टाइम का काउंट किया। सोलर सिस्टम से बाहर जब आप चले जाएंगे तो कैसे करेंगे? आप मेरे को साइंटिफिकली प्रूफ कीजिए कि आप एक पल की काउंटिंग बिना सूरज के कैसे करेंगे। आप ये कह रहे हैं ना कि सोलर सिस्टम के बाहर टाइम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये कह रहे हैं ना? मतलब ही नहीं करता सर। आप टाइम काउंटिंग, अब एक आदमी अगर सोलर सिस्टम से बाहर चले गया तो टाइम खत्म, टाइम खत्म। मुझे अभी साइंटिफिकली सर आप प्रूफ कर दीजिए, टाइम सर टाइम की प्रूफ कर दीजिए ना मेरे को। मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, ये तो ऑलरेडी प्रूफ हो गया हमारे और आपके नजदीक, सिर्फ सोलर सिस्टम ही तो नहीं है ना, सोलर सिस्टम से बाहर भी तो गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज हैं कि नहीं है सर? आप इस मुझे बताइए गैलेक्सीज है कि नहीं? तो अल्लाह ताला ने सिर्फ ये पृथ्वी नहीं बनाई, पूरी कायनात बनाई ना, पूरी यूनिवर्स बनाई है, पूरी यूनिवर्स बनाई है ना, उस यूनिवर्स में, उस यूनिवर्स में अनिल भाई देखिए एक बात सुनिए, सवाल यहाँ ये नहीं हो रहा है कि ये दुनिया बनाई है, सवाल यहाँ यूनिवर्स के बारे में हो रहा है। यूनिवर्स में हजारों गैलेक्सीज हैं और इस गैलेक्सी मिल्की वे के अंदर हमारा जो सोलर सिस्टम है ना वो एक छोटा सा है, और सोलर सिस्टम के अंदर एक छोटा सा सूरज है सर। अब आप ये बताइए कि इस गैलेक्सी से बाहर टाइम एग्जिस्ट करता है या नहीं, मुझे बता दीजिए। सर टाइम एग्जिस्ट करता है, मोर काउंटिंग कैसे करता है? खत्म बात, टाइम एग्जिस्ट करता है ना सर? अभी है या नहीं बताओ, सोमवार को ये बनाया, मंगलवार को ये बनाया है ना? अब मुझे ये बताइए कि टाइम एग्जिस्ट करता है कि नहीं, देखिए डिपेंड करता है। देखिए देखिए अनिल भाई एक चीज सुनिए, मैं और आप जो है यहाँ पर डिसेंसी के साथ डिबेट करने के लिए भेज बैठ, मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपको नीचा दिखाऊं, और आपका मकसद ये नहीं होना चाहिए कि आप मुझे नीचा दिखाएं, ठीक है? बात यहाँ डायलॉग की होनी चाहिए, डायलॉग की होनी चाहिए। मैंने अभी तक के आपको ये नहीं कहा कि भाई आप गलत हो, ये हो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरा हमारा जो संस्कार है वो ही कहता है कि आप मेरे को प्रूव कर दे कि टाइम एग्जिस्ट करता है, तो टाइम का ड्यूरेशन कहाँ से शुरू हुआ, ओरिजिन बता दो टाइम का। मैंने यही आपसे पूछा कि टाइम गैलेक्सी के बाहर एग्जिस्ट करता है नहीं, आपने कहा हाँ करता है ना, तो उसका बताओ सर कैसे, मतलब काउंट कैसे किया सर, मेरे को बता देना, छह दिन सोमवार मंगलवार बुधवार सब लिखा हुआ है। अच्छा, अब मुझे ये बताइए आपने एग्री भी किया है? हाँ, सोमवार मंगलवार बुधवार लिखा ना हदीसों में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो बिल्कुल। वो सोमवार मंगलवार बुधवार कौन सी गैलेक्सी का था और किस गैलेक्सी के अंदर सोमवार मंगलवार बुधवार बोला जाता था? हाँ, वो मेरे को प्लीज। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये जो हम जिस गैलेक्सी में और जिस दुनिया में रहते हैं, तो यहाँ जो हम सोमवार मंगलवार ये जो भी काउंट करते हैं वो हमारे इस सूरज, हाँ हम इस सूरज के जरिए करते हैं ना, बिल्कुल इस सूरज के जरिए करते हैं ना। अच्छा, अब उसी कुरान में आप सूरह हामीम सजदा में देखिए कि अल्लाह ताला के यहाँ जो एक दिन है वो 1000 साल के बराबर, यानी 1000 साल का लफ्ज बोला गया कि बहुत लंबा टाइम स्पैन है, वो बहुत लंबा टाइम स्पैन है। और लोगों को हम लोगों को समझाने के लिए कि वो टाइम स्पैन कैसे है, यानी चूंकि दोनों मिसाल के तौर पर आसमान बनाए, फिर उसके बाद गैप आया, फिर उसके बाद जमीन बनाई, गैप आया, हमें समझाने के लिए अल्लाह ताला ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि भाई एक दिन के अंदर आसमान बना, दूसरे दिन के अंदर जमीन बनी, और उसके बाद हदीस के अंदर ये अल्फाज आए कि जैसे सोमवार के अंदर एक काम होता है, जैसे मंगलवार को एक काम होता है, बुधवार को एक काम होता है। तो ये एक मिसाल है, ये हकीकत नहीं है। मिसाल और हकीकत के दरमियान हमें फर्क करना चाहिए। हदीस के अंदर जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो मेटाफोरिकल इस्तेमाल हुआ है, हकीकी नहीं है, वो मिसाल दी गई है। दोबारा बोलिए, दोबारा सुनिए मेरी बात। हदीस में जो लफ्ज इस्तेमाल, मेरी बात सुनिए, हदीस में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो मेटाफोरिकल इस्तेमाल हुआ है, मेटाफोरिकली इस्तेमाल हुआ, ठीक है? ओके, वो मिसाल दी गई है, हकीकी नहीं है वो, हमें समझाने के लिए मेटाफोरिकली इस्तेमाल हुआ है। आप मेटाफोर को तो समझते हैं ना? मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, मैं कहना चाहता हूँ वो सिर्फ मिसाल कह रहे हो ना आप, यानी जैसे जैसे मैं कहता हूँ कि भाई एक आदमी जिसको ये नहीं पता, जो सूरज के बाहर कभी नहीं गया, अब वो टाइम का काउंट कैसे करेगा? एक आम आदमी जो साइंटिस्ट नहीं है, तो उसको कहा कि भाई जैसे ये जो दिन हफ्ते के अंदर 7 दिन होते हैं, उसी तरीके से अल्लाह ताला ने अलग अलग वक्तों के अंदर बनाया। ये एक मिसाल के तौर पर जो है अल्लाह ताला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर जिक्र किया है, तो मेटाफोरिकल इस्तेमाल हुआ है उसका।
तो सोमवार मंगलवार ऐसे लिख दिया उसके अंदर। बताया ना मैंने, मेटाफोरिकल इस्तेमाल हुआ है ताकि मैं और आप समझ सके, हम जैसे लेमैन समझ सके, मैं और आप साइंटिस्ट तो है समझने नहीं। के लिए सर, समझने के लिए अब ऑब्वियसली समझने की मिसाल तो समझने के लिए होती है। अच्छा मतलब आप कहने जाओ हदीसों में मिसाल देके उनको समझा दे कि इस हदीस में, इस हदीस में उस आयत को समझाने के लिए मिसाल दी गई है। अच्छा मिसाल दी गई है इस हदीस में, ये कहना चाहते हो ना आप? जी हां। चलो ठीक, सामने वाले को उसी लैंग्वेज में और उसी तरीके से समझाएंगे ना जो लैंग्वेज और जो तरीका सामने वाला समझता हो। मान लीजिए 2024 में रहने वाला एक शख्स टाइम ट्रैवल करके किसी तरह से पहुंच जाता है 1000 साल पीछे। अब वो 1000 साल पीछे जाकर अगर समझाना चाहे कि आगे जाकर ट्रेनें आने वाली है और गाड़ियाँ बहुत तेज दौड़ेंगी, तो वो क्या कहेगा? यही कहेंगे ना कि जिस तरह से तुम घोड़े पर बैठकर, गधे पर बैठकर तेज़ी से सफ़र करते हो और जहाँ पहुँचना हो बहुत तेज़ी से पहुँच जाते हो, तो इसी तरह से आगे चलकर एक और सवारी ईजाद की जाने वाली है जिस पर लोग बैठकर बहुत तेज़ी से सफ़र कर सकेंगे। तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि भाई एक इंजन होगा, इंजन में पेट्रोल डलेगा और उसको एक्सीलेटर दिया जाएगा और उसकी एक मशीन होंगी, उसमें टॉर्च लगाई जाएंगी, इस तरह से नहीं समझा जाए भाई। उसको वही लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा जो लैंग्वेज उसको समझ में आती है। उसको मिसाल देनी पड़ेगी घोड़े की, गधे की, खच्चर की, जिस चीज पर वो सवारी करते हैं। तो बात सिंपल है, सामने वाले बंदे को उसी लैंग्वेज में उसी तरीके से समझाया जाएगा जो लैंग्वेज और जो तरीका उसको समझ में आता है। इसी तरह से अल्लाह पाक ने कुरान पाक में ये कायनात जिस तरह से टप्पेवारी बनी है ना, तो उसी तरह से अल्लाह ने बताया है कि जिस तरह तुम्हारे पास सोमवार, मंगलवार, बुधवार होते हैं, इसी तरह से हमने इस कायनात को आदवार में बनाया है। तो बात सिंपल है और उम्मीद करता हूँ कि अनिल भाई के साथ साथ आप लोगों को भी ये समझ में आ गया होगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।